तानाशाह और निकम्मी मोदी सरकार से पीड़ित और आंदोलित मेरे बहादुर किसानों, मातृ शक्ति युवा साथियों, हम पहले कुछ नारे लगाएंगे। पहले हम जिंदाबाद के लगाएंगे और बाद में मुर्दाबाद के लगाएंगे, भाषण हम बाद में देंगे। पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। अब हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, किसान विरोधी मोदी सरकार, किसान विरोधी मोदी सरकार, निकम्मा प्रधानमंत्री भारत सरकार, निकम्मा प्रधानमंत्री भारत सरकार, किसान विरोधी सरकार। बहादुर किसानों, वक्ता बहुत आए हैं और मैं भी हमेशा आता रहता हूं, कोई नई बात तो नहीं बताने जा रहे, परंतु हम आपके बीच में समय समय पर संदेश छोड़ना चाहते हैं। आज हमारे 3.5 महीने से ज्यादा आंदोलन को चलते हुए हो चुके हैं और आप आंदोलन को जीत चुके हैं। जो ये कहता है मोदी मीडिया कि हमारी हाजिरी कम है, हमारी हाजिरी कम नहीं है। आज पूरे देश का किसान मुट्ठी की तरह एक है। वो दिन था, हम स्वीकार करते हैं कि क्या कहती थी मोदी मीडिया, ये एक राज्य का पंजाब का आंदोलन है, था पंजाब का था, क्योंकि जब जुल्म किया कोरोना के अंधेरे में इस मोदी ने जुल्म किया, तो मेरे पंजाब के किसान ने, सरदार ने इसकी गर्दन पकड़ी। वो दिन था, वो पंजाब का आंदोलन था, जब पंजाब से हरियाणा में चला और मोदी के और खट्टर के बैरियर तोड़े, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, तो यह बात सही थी, यह पंजाब और हरियाणा का आंदोलन था, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां 26 तारीख का जुल्म और आंदोलन तोड़ने का षड्यंत्र इस मोदी सरकार ने रचा, 28 तारीख की रात को जो हमारे राकेश टिकैत के 2 आंसू पड़े, उन्होंने पूरे भारत वर्ष के किसान को नहला दिया, भिगो दिया, और मुट्ठी की तरह भारत का किसान एक हो गया। आज ये आंदोलन पंजाब के सरदार से चल करके पूरे भारत का किसान मुट्ठी की तरह एक हो चुका है एक। अब मैं मोदी को संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, बहुत सुनी तेरी मन की बात मोदी, बहुत सुनी तेरी मन की बात, अब किसानों की सुननी होगी। या तो तीनों कानून रद्द कर दे, वरना गद्दी छोड़नी होगी, वरना गद्दी छोड़नी होगी। बहादुर किसानों, हमारा आंदोलन लंबा है, हमारी कोई लिमिट नहीं है, परंतु मोदी तेरी लिमिट है, तेरी तारीख निश्चित है, तू उससे ज्यादा इस कुर्सी पर नहीं रह सकता। परंतु किसान इस पांडाल में अनलिमिट रह सकता है, यह जब तक रहेगा, जब तक किसान का राज इस भारत की गद्दी पर नहीं होगा, यह जब तक होगा। हमारी लड़ाई थी तीनों काले कानूनों की, वो एक बिंदु है, अब आगे बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक किसान कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी यूपी में, हम नुक्कड़ आंदोलन करते थे। आज सरे जाता है मेरे पंजाब के किसान को, सरेआम पूरा सरे जाता है मेरे पंजाब के सरदार को कि पूरे भारत के किसान को जगा दिया, पूरे भारत के किसान को जगा दिया, यह है मेरे पंजाब का सरदार किसान, इसका 100% सरे जाता है। मोदी कहता है, मोदी मीडिया कहती है, यह तो चंद व्यक्तियों का आंदोलन है, है चंद व्यक्तियों का है, क्योंकि उत्तर भारत का आंदोलन है, क्योंकि जो लड़ाइयां देश पर लड़ी गई हैं, वो हमेशा इन लोगों ने लड़ी है जो यहां पर बैठे हैं। क्या मोदी का गुजरात कोई लड़ाई लड़ता है? उत्तर भारत ने जितने भी हमले भारत पर हुए हैं,
वे झेले हैं और मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, और यहाँ के ये लड़ाके आज पूरे देश के किसानी की लड़ाई लड़ रहा है, और ये उत्तर भारत का पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान का किसान आज पूरे भारत के किसान की अगुवाई कर रहा है। मोदी को शक नहीं होना चाहिए। और अब ये किसान वहां बैठेगा जहां पर इसके भाग्य के कानून बढ़ते हैं। अब ये बिने बनाए लीडर कामयाब नहीं होंगे, जिनकी कमी के कारण आज ये मोदी उस गद्दी पर बैठा। ये मोदी कोई इतना लायक नहीं था, और किसी ने कोई ऐसा काम किया हो कि ये प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अब तक दो गद्दियों पर बैठे थे उन्होंने इतने जुल्म किए कि उनके जुल्म के विरुद्ध भारत की जनता बदलाव चाहती थी, और वो बदलाव तमाम को ले डूबा, और ये नालायक मोदी नाम का व्यक्ति इस गद्दी पर आ बैठा। यहां पर आप लोगों के कारण न 900 साल वाले रहे, न 200 साल वाले रहे, और ये 7 साल वाला मोदी नालायक बस कुर्सी पर रहेगा नहीं। इसका नतीजा है अब बंगाल में किसान के पैर पड़े हैं, जहां ये लहर बताता था, मोदी जो लहर बताता था, भारत के 29 राज्यों में से केवल 10 राज्यों में इसकी सरकार है, वो भी रोड़ी करके धींगा मस्ती करके, और चंद राज्यों में एक एक दो दो सांसद एमएलए हैं। भारत में इसकी कोई जगह नहीं है, और इस आंदोलन ने, इस पंजाब के सरदार ने, जिसको ये आतंकवादी, जिसको खालिस्तानी, जिनको ये मुट्ठे भर बताता था, पूरे देश को जगा दिया, और अब पूरे भारतवर्ष का किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, आप लोगों ने एक कर दिया है। एक यह है पंजाब के सरदार की हिम्मत। आपने चुनाव में दिखा दी ताकत कि एक भी खाता नहीं खुलने दिया नगर परिषद के चुनाव में, नगर निगमों के चुनाव में। यह मोदी की औकात थी। अब बंगाल के अंदर आप लोगों के पैर पड़े, किसान के पैर पड़े, तो वहां पर आज मोदी औंधे मुंह पड़ा है, और उसकी हार निश्चित है। आने वाला समय मोदी को नहीं बख्शेगा, और उसने सुत्ते शेर को जगा दिया। ये किसान अपनी मस्ती में था, यह जागृत नहीं था, इसको मोदी ने सुत्ते शेर को जगा दिया। अब ये इसको निंगलेगा, कोई बचा नहीं सकता। जो ये पानीपत के मुद्दे हैं, जो जिक्र हो रहा था, नहीं चाहिए पानी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे बादल हो, सभी के सभी नालायकों ने पंजाब और हरियाणा के भाईचारे को बिगाड़ा और लड़ाया है। किसी ने भी पानीपत नहीं, इन्होंने वर्षों तक हमें बरगलाया है। अब पानी नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी तीनों काले कृषि कानून रद्द चाहिए, और उस गद्दी को चाहिए जहां पर बैठ के कानून बनता है। ये क्यों चाहिए? ये देश किसान का है। अभी तक किसी ने ये नहीं पता था ये देश किसका है। किसान को इस आंदोलन से पहले भिखारी समझा जाता था, इसको मरा हुआ समझा जाता था। किसी भी सरकार ने किसान की ताकत का नहीं पता था। इस आंदोलन ने क्या क्या बताया? इस आंदोलन ने सभी को, पूरे विश्व को, किसान की ताकत को बताया। किसान ने खुद भी अपनी ताकत का नहीं पता था। इस आंदोलन ने किसान को अपनी ताकत का बताया, खुद किसान को अपनी ताकत का पता चला। इस आंदोलन ने यह भी बताया कि अन्नभंडार कौन भरता है? खजाना किसान भरता है, अन्नभंडार किसान भरता है। देश की सीमाओं का पहरेदार, इनका बेटा जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है। जब मरने कटने की जगह हम हैं, खजाने भरने की जगह हम हैं, हम अन्नभंडार भरने की जगह हैं, तो फिर इस गद्दी पर हम क्यों नहीं हैं? यह हमारी भूल थी। अब इस आंदोलन ने जगा दिया है। अब ये बनी बनाई पार्टियां नहीं चलेंगी। ये आंदोलन तो जीत चुके हैं। ये आंदोलन जितने भी ये लोग बैठे इनका नहीं है। जो मेरी पीढ़ी के ये लोग और मेरे से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये आंदोलन इनका नहीं है। ये आंदोलन उनका है जो हमने पैदा किए हैं, जो 18, 20, 25, 30,
और 15 साल के और आज नन्हे मुन्ने हैं, ये आंदोलन उनका है। ये आंदोलन यदि हमने भावी पीढ़ी की रोजी रोटी, भावी पीढ़ी के रोजगार, भावी पीढ़ी का मान और सम्मान अगर हमने रखना है तो ये हमने लड़ाई लड़नी ही होगी। ये लड़ाई जो लड़नी होगी, चाहे लाखों कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए, हम यहां से खाली नहीं जाएंगे। मैं दो नारे लगाऊंगा, बोलूंगा मैं मोदी जितना भागेगा, आपने बोलना है कि किसान उतना जागेगा। जितना मोदी भागेगा, मोदी जितना भागेगा, किसानों आप बहादुर हैं, हमारे लिए रात दिन गर्मी सर्दी और बर्दाश्त बरसात नहीं होती। गर्मी सर्दी और बरसात रात और दिन उनके लिए होते हैं जो खाते हैं और सो जाते हैं। हम कमाने वाले हैं, देश के मालिक हैं, हम लड़ाके हैं, हम क्षत्रिय हैं। हमारे लिए रात दिन बरसात गर्मी और सर्दी मायने नहीं रखती। आप योद्धा हैं, योद्धा की लड़ाई लड़िए और अपने योद्धा पर प्रसन्न ना लगाने दीजिए। पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, काफी कुछ बोला हूं। बहादुर किसानों, यदि कोई गलती हो तो माफ कर देना, यदि मेरी बातों में दम हो तो आंदोलन से अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को जोड़ देना। जय भारत, जय किसान।